Hello everyone. Today I am going to discuss about the Indian banking system. This is a very important part when we discuss about the finance structure of the country or financial system भी हम वहाँ पे कह सकते हैं. अगर आप किसी competition exam की तैयारी कर रहे हैं, like competition banking competition की तैयारी कर रहे हैं, तो ये video काफ़ी important है आप लोगों के लिए. और even then this is also a part of the MBA and BBA syllabus. Then let's start with this video. जब हम बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, तो एक काफ़ी ब्रॉड सिस्टम है ये यहाँ पे. तो दैट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर हियर, फाइनेंशियल मार्केट इज़ हियर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, फाइनेंशियल सर्विसेज देयर. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. इन टूडेज़ वीडियो आई एम डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इन इंडिया इकोनमी RBI is the apex bank. This is a central bank of the country. यानी कि every rules and regulation related to banking system that is made by the RBI. यानी कि RBI हर country का अपना अपना एक central bank होता है. India में RBI है, Reserve Bank of India. और ये सभी rules and regulation वहाँ पर बनाता है सारे banking system के लिए. Second organization हमारे पास SEBI रहती है, Security Exchange Board of India. The organization make rules and regulation for the stock exchanges. तो लेट्स स्टार्ट विद RBI. RBI जो हमारा है, वहाँ पे हम इंडिया के अंदर लेके चलते हैं कि शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल या अनशेड्यूल बैंक्स आर देयर. जो हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री है डिवाइड इनटू टू पार्ट, वन इज शेड्यूल एंड सेकंड वन इज अनशेड्यूल बैंक या नॉन शेड्यूल बैंक्स आते हैं. जब हम शेड्यूल बैंक्स की बात करते हैं, तो हम सीधे सीधे यही बात करते हैं कि जो RBI के अंडर आते हैं, उसकी रूल रेगुलेशन के अंडर आते हैं, वो हमारे शेड्यूल बैंक्स हैं. जो उसकी रूल रेगुलेशंस के अंडर नहीं आते, वो हमारे नॉन शेड्यूल बैंक्स यहाँ पे आ जाते हैं. यानी कि जो RBI हमारा 1934 में आया था, उस एक्ट के अंडर जितने भी बैंक्स आते हैं, वो हमारे शेड्यूल बैंक्स होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन इसकी कवर की है, जो शेड्यूल बैंक्स हैं वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर आते हैं. सेकंड, जो सेक्शन 42(6)(a) ऑफ द एक्ट, इसके अंडर ये आते हैं. जितने भी बैंक्स इसके अंदर रजिस्टर हैं, वो हमारे शेड्यूल बैंक्स होंगे. सेकंड कंडीशन हम क्या लेके चलते हैं, जो हमारी पेड अप कैपिटल है, कलेक्टेड फंड्स हैं बैंक के पास, वो 5 लाख से कम नहीं होने चाहिए. दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या हो गया, कोई भी बैंक की एक्टिविटी, ठीक है, जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं, जो बैंक में जाके अपना क्लाइंट्स हैं बैंक के, उनके ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए. तो हमारे पास ये 3 वहाँ पे पैरामीटर्स हैं, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स हमारे वहाँ पे एक डिफ़र करते हैं दोनों चीज़ें. अगर हम शेड्यूल बैंक्स की बात करते हैं, तो हमारे शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं, वो 2 पार्ट्स में अगेन हम डिवाइड कर लेते हैं. वन इज़ कमर्शियल एंड सेकंड इज़ नॉन कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं यहाँ पे और नॉन कमर्शियल बैंक क्या होते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ दूंगी, इफ़ समवन वांट टू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, हम यहाँ पे बैंक को इंडिकेट कर लेते हैं, यानी कि ए वांट टू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक. ठीक है, तो बैंक ने उसे बोला कि मैं आपको 4% वहाँ पर इंटरेस्ट दे दूँगा. ठीक है, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया एंड बैंक गिव यू 4% इंटरेस्ट. बैंक ने क्या किया, मार्केट में किसी थर्ड पर्सन को, सी को, वहाँ पे लोन दे दिया. बैंक ने उससे 10% वहाँ पे चार्ज करना शुरू कर दिया. जैसे मैंने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कराए एज अ डिपॉजिटर इन द बैंक एंड आई एम गेटिंग 4% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. एंड सेम सी वॉन्ट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक एंड बैंक गिव्स द लोन एट द रेट ऑफ 10% टू सी फॉर 1 ईयर. तो सी ने क्या किया, बैंक को 10% इंटरेस्ट पे उसने लोन ले लिया. आफ्टर 1 ईयर उसने पैसा वापस कर दिया और इंटरेस्ट भी बैंक को दिया, जो भी उसका इंटरेस्ट उस पर बनता था 10% के अकॉर्डिंग, 10,000 रुपीज़. तो जो बैंक है, बैंक ने आगे 4% ए को पे कर दिया. तो यहाँ पे बैंक को कितना प्रॉफिट हुआ, 6% बैंक को प्रॉफिट हो गया. ठीक है, यहाँ पे बैंक ने क्या किया, लेंड किया, लोन दिया, लेंड किया, और यहाँ पे बैंक ने डिपॉजिट लिया. तो डिपॉजिट और लेंडिंग अगर हम दोनों एक्टिविटी करेंगे, तो हम उसे कमर्शियल बैंक कहेंगे. यानी कि हमने डिपॉजिट एज वेल एज अ लेंडिंग, अगर हम दोनों फंक्शन वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे कमर्शियल बैंक होंगे. तो शेड्यूल बैंक्स आगे डिवाइड हो जाते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स के अंदर एंड एज वेल एज अ कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर. तो कमर्शियल बैंक आपको समझ आ गया होगा कि जब हम डिपॉजिट की बात करते हैं और हम लेंडिंग की बात करते हैं, तो वो हमारे कमर्शियल बैंक हैं. नॉन कमर्शियल बैंक की हम जब भी बात करेंगे, तो यानी कि वहाँ पे वो डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं हमसे, तो नॉन कमर्शियल बैंक हो गए. नॉन कमर्शियल बैंक का एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलूँगी. जो नॉन कमर्शियल बैंक हमारे होंगे,
वो हमारे डेवलपमेंट बैंक्स होंगे, यानी कि एक स्पेशल पर्पज़ को लेके उन्हें बनाया गया होगा। सेकंड, वो स्पेशलाइज्ड होंगे, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड होंगे। ठीक है, तो हमारे जो नॉन कमर्शियल बैंक हो गए उसकी डेफिनेशन हो गई कि या तो वो एक पर्टिकुलर पर्पज़ को लेके आ रहे हैं या एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो स्पेशलाइज्ड होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी नबार्ड। नबार्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस बैंक है इंडिया के अंदर, तो उसका मेन पर्पज़ क्या है, एग्रीकल्चर्स के लिए वो बैंक वहाँ पर बनाया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं एक्जिम बैंक का। एक्जिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका मेन काम क्या है, प्री एंड पोस्ट जो हमें एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, एक्सपोर्ट होता है जब हम कंट्री से बाहर अपने सामान को भेजते हैं, सेल करते हैं, तो इसमें 90 डेज़ का पेमेंट का मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो मीनवाइल बैंक जो एक्सपोर्टर होता है उसको ऑलवेज नीड द मनी और वर्किंग कैपिटल उसे चाहिए होता है। तो एक्जिम बैंक क्या करता है, प्री एंड पोस्ट यानी कि एक्सपोर्ट करने से पहले भी कई बार मनी रिक्वायरमेंट होती है मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए, और एक्सपोर्ट करने के बाद भी हमें वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो एक्जिम बैंक वहाँ पर हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। तो हम लेके चलेंगे कि जो नॉन कमर्शियल बैंक्स हैं वो वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री होता है और स्पेशलाइज पर्पज़ के लिए बनते हैं। जैसे सिडबी हो गया, सिडबी हो गया स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो बनाया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो हमारे नॉन कमर्शियल बैंक वो बैंक हो गए जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशल पर्पज़ के लिए वहाँ पे बने हुए होते हैं, राइट। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स के अंदर। अब हम आगे लेके चलते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी कई पार्ट्स में आगे डिवाइड हो जाते हैं। हमारे कमर्शियल बैंक इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिवाइड होते हैं, रीजनल RRBs जिनके नाम काफ़ी फेमस है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गया, फॉरेन बैंक्स आ गया। इसके अलावा अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, दैट इज़ डिवाइड टू टू मोर कैटेगरीज, वन इज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सेकेंड वन इज़ पेमेंट बैंक। यानी कि 6 कैटेगरी में हमारे कमर्शियल बैंक वहाँ डिवाइड हो जाते हैं, पब्लिक सेक्टर हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, रीजनल हो गए, फॉरेन हो गए, एज वेल एज द स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आजकल काफी फेमस है कंसेप्ट मार्केट के अंदर, एज वेल एज द पेमेंट बैंक्स इज देयर। और जब हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो स्टेट लेवल पे भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं, और कुछ सोसाइटीज़ बनी होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया वाइज जो हमें वहाँ पे जो हमारी नीड्स है, सोसाइटीज़ जो क्रेडिट वहाँ पे प्रोवाइड करवाती है, जो एग्रीकल्चर्स हैं, रूरल पीपल्स हैं, उनको वहाँ पे लोन प्रोवाइड करवाती है। तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोसीड करते हैं शेड्यूल बैंक। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, दो ही चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगर हम कहते हैं कि शेड्यूल बैंक्स फॉलो द रूल्स मेड बाय द RBI, जो RBI रूल्स बनाता है उसको शेड्यूल बैंक फॉलो करते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक वहाँ पे कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं करते हैं। जो शेड्यूल बैंक्स हैं वो एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, 1934 एक्ट के अंदर सेकंड शेड्यूल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो आए थे, नॉन शेड्यूल बैंक्स आर नॉट इंक्लूड इन द सेकंड शेड्यूल। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस, दिस टू आर द डिफरेंस, द डिफरेंशिएट बिटवीन द शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स आर हियर। नेक्स्ट वन इज, जब हम बात करते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स की, हम लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं कि बैंकिंग जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है हमने वहाँ पे बात की, और नॉन कमर्शियल बैंक्स हमने बात की जो स्पेशल पर्पज़ के लिए हैं, जैसे अभी मैंने बात की कि नबार्ड इज़ देयर। ठीक है, हमने बात की एक्जिम इज़ देयर, तो कई सारी है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर इज़ देयर, म्यूचुअल फंड्स आर देयर, डेवलपमेंट बैंक्स आर देयर, जो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए, जैसे मैंने सिडबी का वहाँ पे एक एग्जांपल कोट किया था। अब यही बात यहाँ पे मैंने रिपीट किया है कि कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे 6 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। पब्लिक, जैसे हम कहते हैं कि एट प्रेजेंट दे आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर आफ्टर मर्जर, हमारी कंट्री में कई सारे बैंक मर्ज हुए फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वहाँ पे अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए हैं। सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करेंगे तो हमारे पास 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं एट प्रेजेंट। नेक्स्ट इज़ RRB, जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो हमारे 43 हैं एट प्रेजेंट। हमारे फॉरेन बैंक, हमारे पास 45 बैंक्स हैं। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 10 हैं, और जो पेमेंट बैंक हैं हमारे पास 6 हैं। वैसे हमारे पास 11 थे पेमेंट बैंक, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे पास 6 रह गए हैं। ठीक है, तो जितने भी ये बैंक हैं ये कमर्शियल बैंक का पार्ट है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड, किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, प्लीज़ अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, सो दैट आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेरी ऑल्सो। यहाँ पे
पीपीटी ज़्यादा हो गई थी, वीडियो लंबा बन रहा था, तो मैंने बाकी बैंक्स इंक्लूड नहीं किए। मैंने यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक को इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी। कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि जो आरआरबी है कब एस्टेब्लिश हुआ, जो हमारे रीजनल रूरल बैंक है कंट्री के अंदर 1975 में आए थे, उसके लिए एक एक्ट बना 1976 में, वो एक्ट बना। एट प्रेजेंट हमारे 43 रीजनल रूरल बैंक हैं इंडिया के अंदर। जब हम रीजनल रूरल बैंक्स की बात करते हैं कि कैसे ये बैंक्स बने, तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% उसमें ऑनरशिप उसका रहता है। जिस स्टेट के अंदर रीजनल रूरल बैंक है, जैसे एट प्रेजेंट 43 बैंक्स हैं, एक स्टेट के अंदर दो बैंक भी हो सकते हैं, तीन बैंक भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे स्टेट का कंट्रीब्यूशन 15% रहता है बैंक के अंदर। और जो स्पॉन्सर बैंक है, जो 35% रह गया, दैट इज़ गिवन बाय द स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक कोई भी हो सकता है, हम यहाँ पे कोई भी प्राइवेट बैंक लेके चल सकते हैं, हम कोई भी पब्लिक बैंक लेके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और 22 हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, तो आरआरबी वहाँ पे एक कंसेप्ट आया। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस फाइनेंशियल ईयर से जो आरबीआई है अपने शेयर सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर सकता है, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर भी आरआरबी आने वाला है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे एक लिस्ट है जो मैंने 43 आरआरबीज़ की ली है, जो 1 अप्रैल 2020 से आए। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हम आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अंदर दो बैंक वहाँ पे आ रहे हैं, दो नहीं चार बैंक हैं यहाँ पे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, तो इस ढंग से ये कम्प्लीट लिस्ट है। हरियाणा के अंदर एक बैंक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक वहाँ पे रहता है इसके पीछे, झारखंड इज़ देयर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, ग्रामीण बैंक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगा, त्रिपुरा। इसी ढंग से हर जगह, हर स्टेट के आपको आरआरबी मिलेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो 6 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। 6 कैटेगरीज, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड पेमेंट बैंक, ये हमारी वहाँ पे कैटेगरीज बनती हैं, ठीक है। नॉन कमर्शियल बैंक कौन से हो गए, जो एक स्पेशलाइज पर्पस के लिए, एक स्पेशलाइज ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए गए हों, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या हम इसे नॉन कमर्शियल बैंक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ये कंपनी रजिस्टर हुई कंपनी एक्ट के अंडर 1956 में रजिस्टर हुई। तो इसका मेन काम क्या होता है, यहाँ पे जो भी लोन्स हैं, एडवांसेस हैं, वो प्रोवाइड करवाना। मेनली इसके अंदर रहता है लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, ये वाली फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवाती है। लीजिंग और हायर परचेज में डिफरेंस क्या होता है, लीजिंग होता है जब हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ऑन रेंटल बेसिस, हम कह सकते हैं कि हम वहाँ पे लेसर एंड लेसी दो पार्टीज हो गए, लेसर जिसकी प्रॉपर्टी होती है, लेसी जो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, रेंटल बेस पे हम उसे यूज़ कर लेते हैं, हम इसे पट्टे पे भी कहते हैं हिंदी में अगर हम यूज़ करें। हायर परचेज क्या होता है, आज के टाइम में ये कंसेप्ट बड़ा ही चला हुआ कंसेप्ट है, हम कहेंगे हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी और एंड में जो ओनरशिप है वो 1% to 2% वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने कोई भी ऑटोमोबाइल परचेज किया ए से, ठीक है, यहाँ पे एक्स हूँ, और उन्होंने क्या किया, हमने धीरे धीरे इन्हें इंस्टॉलमेंट, ईएमआई जो हम कहते हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, हमने देना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 ईयर्स तक आपको इतना इंस्टॉलमेंट देना है, आफ्टर 5 ईयर्स जो ओनरशिप है वो मुझे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो कंसेप्ट आ जाता है हायर परचेज में। लीजिंग में ओनरशिप ट्रांसफ़र का कोई भी कंसेप्ट नहीं आता। इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एनबीएफसी। थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाके। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारी सेविंग है उसको मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे दे लेंड द फंड्स वट नॉट क्रिएट, यानी मैंने स्टार्टिंग में एक डिफरेंस क्रिएट किया था, जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं और जो हमारे नॉन कमर्शियल बैंक हैं उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो डिपॉजिट लेते हैं और लेंडिंग भी करते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन कमर्शियल बैंक हैं वो सिर्फ लेंडिंग करेंगे, उस फंड को क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ उनका लेंडिंग का काम होता है, डिपॉजिट का काम उनका नहीं होता। इसलिए हम नॉन कमर्शियल बैंक इसे लेके चलते हैं, ये शेड्यूल बैंक्स का ही पार्ट हो गए, तो हमारे बैंकिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडिया के अंदर 10,000 से अबव हमारी जो नॉन कमर्शियल बैंक्स हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पे कंपनीज़ लाइक LIC, GIC हो गया, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है, लीजिंग हो गया, हाउसिंग कंपनीज़ होगी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ होगी, हायर परचेज कंपनीज़ होगी, स्पेशल इंस्टीट्यूशन जैसे एक्जिम बैंक का मैंने एग्जांपल लिया था, सिडबी का एग्जांपल लिया था, स्टेट लेवल पे हो गया। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का काम होते हैं। वहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन होती है, तो स्टूडेंट कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वहाँ पे होता है कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते,
ठीक है, आप कभी भी कहीं से भी डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो एक डेफिनेशन दे देते हैं कि NBFC वो होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, सिर्फ लैंडिंग करते हैं। तो आपको अब समझ आया, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करूँगी, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने बोला कि हाउसिंग के लिए इतना पैसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने कहा कि हाउसिंग के लिए 10 लाख करोड़ मैं मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, हाउसिंग प्रोवाइड करवाने हैं, सस्ते घर लोगों को प्रोवाइड करवाने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, वो पैसा NHB के थ्रू, नेशनल हाउसिंग बैंक, इन्होंने अपना एक ऑथराइज वो बना रखा है इंस्टीट्यूशन, इसके थ्रू वो मार्केट में अपने पैसों को लॉन्च करेगी कि कम से कम कीमत पर हम लोगों को घर प्रोवाइड करवाएँ, ठीक है। तो NHB क्या हो गया, NHB एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया। अब NHB क्या करेगा, वहाँ पे डीलिंग बैंक ढूंढेगा। डीलिंग बैंक कौन से हो सकते हैं, डीलिंग बैंक हो सकते हैं कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक आप लगा सकते हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक आप लगा सकते हो। तो NHB क्या करेगा, NHB गवर्नमेंट से पैसा लेगा, ठीक है, NHB गवर्नमेंट से पैसा लेगा और NHB आगे किसी ना किसी डीलिंग बैंक को हायर करेगा कि ये वाला लोन है और हमें इतने लोगों तक वहाँ पे पहुँचाना है। तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गई NHB, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसे फंडिंग मिली है और ये आगे विद द हेल्प ऑफ द डीलिंग स्ट्रक्चर ये आगे लोगों तक फंड को पहुँचा रही है। तो ये इसका सारा काम हो गया, ठीक है। तो ये वहाँ पे लैंडिंग कर रही है, अगर हम किसी को लैंडिंग कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर हो जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। अब हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, छोटी छोटी कंपनीज हैं जो लोन वहाँ पे दे रही हैं, लोन कंपनी हैं, जैसे हम गोल्ड लोन की बात यहाँ पे कर सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंश्योरेंस कंपनीज LIC GIC इज देयर कोर इन्वेस्टमेंट, जो हमारी स्टार्टिंग हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो काफ़ी सारी ब्रोकिंग हाउस हैं, सब ब्रोकिंग हाउसेज हैं जो हमें वहाँ पे हेल्प करते हैं। और म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, हमारे पास 45 म्यूचुअल फंड हैं एट प्रेजेंट, यानी कि 45 कंपनीज हैं जो अपने म्यूचुअल फंड लेके आ रहे हैं। कोई कंपनी 100 स्कीम लेके आ रही है, कोई 200 स्कीम लेके आ रही है, कोई 10 स्कीम लेके आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे, आगे जितनी वीडियोज़ आएंगे उसके अंदर हम 1-to-1 ये कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे फाइनेंस के। जितनी भी फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे नाबार्ड, जितनी माइक्रो फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द रूरल एज वेल एज द एग्रीकल्चर्स इन द इकोनॉमी, तो वहाँ पे नाबार्ड हमने एक बैंक बना दिया जो इन सब को देखता है, ठीक है। लोन कंपनी जितनी भी हैं, जैसे हम जितनी भी गोल्ड लोन लेके आ सकते हैं, सिंपल लोन कंपनीज लेके आ सकते हैं, उनको ऑथराइज वहाँ पे RBI है जो इन सबको देखता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए NHB वहाँ पे बना दिया, इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA है जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है हमारे पास। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज यानी कि छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनके लिए SEBI, जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, वी टॉक अबाउट द SEBI। और म्यूचुअल फंड भी किसके अंडर आते हैं, हमारे SEBI के अंडर आते हैं। तो हमारे पास कई सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं और उनके लिए अलग से हमने अथॉरिटीज़ वहाँ पे फाइनलाइज़ की गई हैं कि कैसे वो चैनलाइज करेंगे हम वन प्लेस टू अनदर, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके बनेंगे। आई होप आपको NBFC यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम कमर्शियल बैंक एंड नॉन कमर्शियल बैंक्स को वहाँ डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार जो चीज़ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसी को रट्टा लगा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो आपका माइंड क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट्स को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की। आजकल ये कॉन्सेप्ट काफ़ी है बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या हुआ, इज़ अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ बैंकिंग क्रिएटेड बाय RBI। इसे भी RBI ने क्रिएट किया है, किसके अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडेंस के अंडर, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जब हम अनसर्व या अंडर सर्व जो सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है, उनकी बात करते हैं। इसके अंदर कौन से आ जाते हैं, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स आ जाते हैं इसके अंदर, स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स हैं वो आ जाते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, अनऑर्गेनाइज जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसमें क्या हो गया, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, यानी कि हमने अनसर्व वो अंडर सर्व जो सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शन है इकोनॉमी, उसके लिए ये बैंक वहाँ पे फाइनेंस करता है, लेंड करता है, डिपॉजिट करते हैं पैसे को, जैसे, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, RBI ने इसे क्रिएट किया है, किसके अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे क्रिएट किया है। मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव है, किसके लिए बनाया है, फार्मर्स के लिए बनाया है, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के लिए बनाया है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इसे बनाया है। अब मैंने वहाँ पे एक स्लाइड तैयार की है जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि है क्या। इट इज़ अ प्राइवेट बैंक, ठीक है, ये एक प्राइवेट बैंक है, ये पब्लिक बैंक नहीं है। जिस भी बैंक को 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया वो स्मॉल फाइनेंस बैंक वहाँ पे बन सकता है।
बैंक दोनों फैसिलिटी हमें दे रहा है, वो डिपॉजिट भी करता है और लोन फैसिलिटी भी वहाँ पे दे रहा है। जो मिनिमम कैपिटल है वो इस बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, यानी कि जो भी बैंक जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है और 100 करोड़ उसके पास वहाँ पे नेटवर्थ है, मिनिमम कैपिटल है, वो इस बैंक को स्टार्ट कर सकता है। ये एक प्राइवेट बैंक है, ये डिपॉजिट भी लेता है और लोन भी लेता है, और इसमें फॉरन होल्डिंग एक प्राइवेट बैंक के अंदर जो फॉरनर्स हैं वो 74% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम जो है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, इस बैंक के ऊपर, यानी कि 74% फॉरनर्स इस बैंक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये एक प्राइवेट बैंक है, जिस भी बैंक को 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बन सकता है। उसका मिनिमम जो कैपिटल है वो 100 करोड़ होना चाहिए, फॉरन होल्डिंग इसमें 74% हो सकती है। इफ एनी वन वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस बैंक, यानी कि कोई भी फॉरनर वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस बैंक, तो 74% तक वो इसकी कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है, और ये डिपॉजिट भी लेता है और लोन भी देता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारे पास, उज्जीवन है हमारे पास, ठीक है, इसी से जनालक्ष्मी फाइनेंस बैंक है, इक्विटास है, AU है, इस ढंग से कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारे पास, उत्कर्ष है हमारे पास, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, फीना, इस ढंग से हमारे ये 10 कंप्लीट यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं पेमेंट बैंक। दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू बैंक इन इंडिया। पेमेंट बैंक इज लाइक एनी अदर बैंक बट ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क। जो पेमेंट बैंक है वो भी हमारे ऑपरेट करते हैं लेकिन स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं और इसके अंदर कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट कैन कैरी आउट मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशन बट कांट एडवांस लोन और इशू क्रेडिट कार्ड। ये वहाँ पे एडवांस लोन नहीं देते हैं और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं। इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, अब ये देखो ध्यान से पढ़ो इसे, बट कांट एडवांस द लोन, एडवांस लोन नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं, वहां पे कोई भी आपका अनलिमिटेड जैसे हम कहते हैं क्रेडिट गारंटी वो वहाँ पे नहीं देते हैं। डिमांड डिपॉजिट या डिमांड पे जो हम डिपॉजिट करते हैं कि हम ऑन डिमांड हमें मिल जाए, तो अप टू 1 लाख तक आप इसमें डिपॉजिट करा सकते हो। मोबाइल पेमेंट हम कर सकते हैं, ट्रांसफ़र, परचेजेज, अदर बैंकिंग सर्विसेज, ATM मिलेगा, जो हमारे डेबिट कार्ड है वो मिलेगा, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा। नेट बैंकिंग हम कर सकते हैं, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेमेंट बैंक्स इज़ एन इंडियन न्यू मॉडल ऑफ बैंक, ठीक है, तो इसे किसने बनाया, इसे RBI ने यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर लेके आया, उसका कंसेप्ट है ये RBI का, ठीक है। दे चार्ज कस्टमर इंटरेस्ट ऑन लोन दे प्रोवाइडेड, जो उन्होंने लोन वहाँ पे प्रोवाइड किया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज वहाँ पे वो करते हैं, एज वेल एज सर्विस अकाउंट फीस, यानी कि हमने सर्विसेज दी, हमने नेट बैंकिंग की सर्विस दी, ट्रांसफ़र किया मनी, उसके लिए वो वहाँ पे सर्विसेज लेते हैं। दे मेक मनी ऑफ ऑफ मर्चेंट एवरी टाइम अ कस्टमर ऑफ द मर्चेंट यूज अ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एट इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस, द मर्चेंट फी बैंक पे एज अ इंटरचेंज फी। तो यहाँ पे हम बैंक्स के अंदर भी इंटरचेंज वहाँ पे मर्चेंट पे बैंक की भी वहाँ पे हम बात कर सकते हैं, द फी जो वो पे करते हैं वो भी इंटर एक्सचेंज फी, वो भी हम यहाँ पे लेके चलते हैं। अब मैंने इसको भी समराइज कर दिया है, आई थिंक इसे ज़्यादा समझ आएगा। इट इज़ अ प्राइवेट बैंक, जो पेमेंट बैंक है वो भी हमारे प्राइवेट बैंक है। सेकेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जो पेमेंट बैंक है कैन इस एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट की जब भी हम बात करेंगे, हम करंट अकाउंट और हम सेविंग अकाउंट की यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि वी कैन सेट आउट और ओपन आर करंट अकाउंट एज वेल एज अ सेविंग अकाउंट विद दीज बैंक्स, बट हम टाइम डिपॉजिट की बात नहीं करेंगे। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जब हम फिक्स डिपॉजिट की वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम फिक्स डिपॉजिट वहाँ पे नहीं लेंगे। रिकरिंग डिपॉजिट जो हमारा होता है, रिकरिंग क्या होता है, जिसमें हम इंटरेस्ट ऐड करते रहते हैं हर साल। आप कहते होगे ना हमने RD कराया पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो उसमें जितना आपका इंटरेस्ट एक साल का बनता है वो दूसरी बार आपके अमाउंट में ऐड हो जाता है, वो रिकरिंग अमाउंट होता है। तो ये टाइम डिपॉजिट वहाँ पे नहीं लेके चलते, लेकिन वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में वहाँ पे डील करते हैं, फिक्स अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट में वो डील नहीं करते हैं। पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन, ये वहाँ पे लोन प्रोवाइड नहीं करता है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये डेबिट कार्ड देता है लेकिन क्रेडिट कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है। इसकी भी मिनिमम जो कैपिटल होगी वो 100 करोड़ होगी और फॉरेन होल्डिंग इसकी भी सेम रहेगी 74%, लाइक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की तरह।
अब हमारे पास जो पेमेंट बैंक्स हैं वो हैं 11 थे हमारे पास पेमेंट बैंक, एयरटेल है, आदित्य है, फिनो है, रिलायंस है, इन सब ने अपने पेमेंट बैंक खोल लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड है हमारे पास, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, पेटीएम है, ठीक है, ये सारे हमारे पेमेंट बैंक हैं। महिंद्रा लिमिटेड, वोडाफोन, एम पैसा लिमिटेड है, ठीक है, ये सारे हमारे पेमेंट बैंक हैं, सुने हुए होंगे आपने। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ गई, आउट ऑफ जो हमारे 11 पेमेंट बैंक्स, अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई, 3 ने अपना जो लाइसेंस है वो RBI को सरेंडर कर दिया। इसमें कौन से हैं, जो सन फार्मा है, टेक महिंद्रा है, चोला मंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है, इन तीनों ने सरेंडर कर दिया। तो बचे कितने हमारे पास, 8 बचे, ठीक है। आदित्य बिरला लिमिटेड ने 2019-26 जुलाई को डिसकंटिन्यू कर दिया उसका जो पेमेंट बैंक था, और वोडाफोन एम पैसा डिडंट स्टार्ट इट्स पेमेंट बैंक ओइंग इज कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि कई सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो 5 ऐसे हैं बैंक जो उसमें से चले गए। तो सो आउट ऑफ 11 द एक्चुअल 6 ऑपरेटिंग पेमेंट बैंक हैं एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू।